जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, DRDO सेप्टम 10 को लेकर के आपका जो है लास्ट डेट हो चुका है। तो आप सभी जो है अब निरंतर पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि मैंने आप सभी को जो है मैथ का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट दे चुका हूँ मैं, और ये दूसरा सेट है आपके लिए। तो वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जामिनर के द्वारा पूछे जा सकते हैं, 100% आप सभी को इसी प्रकार का पेपर मैथ का देखने को मिलेगा। तो आप इस सेट को अच्छे से लगाएं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी को वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सभी के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो पूछा गया है, निम्न अंकों में से रेंज ज्ञात कीजिए। देखिए, या तो फिर प्रास बोलेगा आपको या फिर रेंज बोलेगा, तो दोनों में कोई भी अंतर यहाँ पर नहीं है। या तो आपको रेंज बोलेगा या फिर आपको प्रास। तो आपको इन प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है? तो फ्रेंड्स, जब भी आपको प्रास, या तो परास बोले या फिर आपको रेंज बोले, तो आपको क्या करना है यहाँ पर जो है, आपको क्या करना है कि जो सबसे बड़ी यानी कि उच्च माइनस निम्न, आपको क्या करना है, उच्च माइनस निम्न को घटा देना है, वही आपका परास निकल के आ जाएगा। तो कैसे करना है आपको? देखिए, सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है इसमें? 28 से आपको कौन सा घटाना है? सबसे छोटा कौन सा है इसमें? तो वो है आपका यहाँ पर 11। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? देखिए, 8 से 1 गया तो 7 बजेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 2 में से 1 गया 1, तो 17 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 17 ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स, कॉट थीटा बराबर ए अपॉन बी है, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का मान। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी को क्या करना है, आप सभी को यहाँ पर दिया गया है कॉट थीटा बराबर ए अपॉन बी, तो यहाँ पर मान किसका निकलवा है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइन प्लस जो है साइन थीटा, इसका आपसे मान निकलवाया गया है। आपको क्या करना है, दोनों में अंश और हर दोनों में क्या करना है, आपको साइन थीटा से भाग कर देना है। तो यहाँ पर जो है साइन थीटा से आप भाग करेंगे अंश में भी और हर में भी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और यहाँ पर जो है साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, तो यहाँ पर एक आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर कॉस थीटा से अपॉन साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और इसी प्रकार साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, तो प्लस 1। ये आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे इस तरीके से। अब क्या करना है, कॉट थीटा का मान आपको यहाँ पर रख देना है और यहाँ पर भी रख देना है। तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ मान ए अपॉन बी माइनस 1, इसी प्रकार से यहाँ पर जो है a अपॉन बी प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर मान रख दिया, आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो a माइनस बी अपॉन यहाँ पर जो है b हो जाएगा, और यहाँ पर a प्लस बी अपॉन बी, तो b से b कट जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। तो ये आप सभी देख पा रहे होंगे ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन बी। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न फ्रेंड्स आप सभी के सामने हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है वो मंच के ऊपर से 50√3 मीटर की दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 60 मीटर है तो मंच की ऊंचाई क्या होगी? तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, तो सबसे सिंपल भाषा में आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले मंच के ऊपर से तो आपको क्या करना है, मंच बना लेना है। देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये हो गया आपका मंच। अब देखिए मंच ये आपका हो गया, और मंच के ऊपर से बोल रहा है, सॉरी यहाँ पर मैं आपको क्लियरली एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा देखिए यहाँ पर इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर जो है,
थोड़ा यहाँ पर सिंबल है नहीं फिलहाल, तो चलिए मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ यहाँ पर। तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ एक बार, देखिए ड्रॉ कर देता हूँ मैं यहाँ पर जो है। तो वो है आपका यहाँ पर मंच, देखिए यहाँ पर जो है ये आपका मंच है, और मंच से मंच के ऊपर से 50 मीटर की दूरी पर, तो मंच ये है 50 मीटर क्या दिया है, 50√3 आपका ये दिया गया है कि मीटर की दूरी से एक टावर के शीर्ष। तो यहाँ पर कोई टावर होगा, मान लीजिए इसके बगल में कोई टावर है, और इसके शीर्ष से जो है उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो देखिए ये 30 डिग्री का कोण बनना है, ये कितना है 30 डिग्री का कोण बनना है यहाँ पर उन्नयन कोण। तो ये टावर से 30 डिग्री का कोण बनना है। तो यदि टावर की ऊंचाई 60 सेंटीमीटर है, देखिए ये टावर जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो है ऊंचाई 60 मीटर दी गई, यहाँ पर जो है 60 मीटर है, आप से भी देख पा रहे होंगे हाइट जो दी गई है टावर की वो कितनी दी गई है 60 मीटर दी गई है। तो मंच की ऊंचाई पूछी गई है, यानी कि आपसे जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो है हाइट पूछी गई है, तो इसे हम एक्स मान लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप सभी ने पढ़ा होगा, मैंने पिछले वीडियो में भी आप सभी को बताया था कि 30 डिग्री और आपका 60 डिग्री और आपका जो है 90 डिग्री, तो 30 डिग्री के सामने का कोण क्या होता है, आप सभी को मैं पहले बता चुका हूँ। यदि इस प्रकार की कंडीशन बन रही है कि यहाँ पर जो है 90 डिग्री का कोण है, यहाँ पर आपका 30 डिग्री का कोण है, और यहाँ पर आपका 60 डिग्री का कोण है, तो 30 डिग्री के सामने का कोण 1 होगा, 60 डिग्री के सामने का कोण √3 होगा, और 90 डिग्री के सामने का कोण 2 होगा। तो ये कंडीशन मैं आप सभी को बता चुका हूँ। तो आप सभी देख पा रहे होंगे 30 डिग्री के सामने का कोण क्या होगा, 1 होगा ये वाला, और यहाँ पर जो है 60 डिग्री के सामने का कोण जो है आपको 50√3 दिया गया है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे ये √3 से कितने गुना है, तो √3 से आपका जो है 50 गुना है। तो इसी प्रकार जो है 30 के सामने का कोण भी 1 ना होकर के 50 गुना होगा, तो आपका जो है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पर जो आ गया ये भी 30 के सामने का जो कोण है वो भी आपको 50 होगा, तो ये आपका 50 हो जाएगा, और टोटल जो है टावर की जो हाइट है वो टोटल जो है कितनी है 60, और इसमें जो है टावर के यहाँ से ऊपर से लेकर के यहाँ तक की जो है आप सभी देख पा रहे होंगे, तो ये आपके निकल के आई है 50, और 60 से 50 घटाएंगे तो आपकी जो मीनार जो है आपका मंच जो है उसकी हाइट आ जाएगी, यानी कि 60 माइनस 50 यानी कि 10, तो 10 मीटर जो है आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका, 10 मीटर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, कुछ ही सेकंडों का खेल है ये, तो मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए आप थोड़ा वहाँ पर टाइम लग रहा है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स, और मैं यहाँ पर जो है फिर से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है। देखिए 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है, इस घोल में कितने लीटर पानी और मिलाया जाए ताकि परिणाम घोल में जो है नमक की मात्रा 30% हो जाए, यानी कि 3% करनी है नमक की मात्रा, कितना पानी और घेर दिया जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे सेकेंडों में। देखिए 30 मीटर के घोल में नमक की मात्रा 5% है, तो आप सभी जानते हैं 30 का 5% कितना होगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 1.5। तो आप सभी देख पा रहे होंगे नमक की मात्रा कितनी है, 1.5 लीटर नमक की मात्रा होगी। अब कह रहा है यहाँ पर कितने घोल में कितने लीटर पानी मिलाया जाएगी ताकि परिणाम जो है घोल का, मान लीजिए हमने एक्स 30 लीटर का घोल था, मान लिया हमने जो है पानी की जो मात्रा मिलाई वो एक्स लीटर पानी की मात्रा मिलाई, उसके बाद जो है नमक की मात्रा कितनी होगी परिणाम घोल में, तो 3%, इसका 3% करेंगे अपॉन यहाँ पर 100 करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, आप सभी को यहाँ पर जो है ये इसके इक्वल रख दिया जाएगा, क्योंकि आप सभी क्या कर रहे हैं 30 लीटर में 5% नमक है, तो वो उसको इक्वल रख देना है। अब आपको सिंपल भाषा में देखिए, यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, तो दशमलव को हटाएंगे आप और यहाँ पर जो है 10 लगाएंगे, तो 10 से 10 इसका कट जाएगा यहाँ पर, और 3 से 5 को यहाँ पर काटेंगे तो 3×5=15 हो जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई इधर जो जाकर के यहाँ पर जो है 50 हो जाएगा। इतना तो आप सभी को आता ही होगा,
अब यहाँ पर जो है 30 + x = 50। अब x की वैल्यू जो है आपकी 50 - 30, तो यहाँ पर जो है 20 वैल्यू x की आ जाएगी। तो आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे बहुत ही आसान प्रश्न था। यहाँ पर जो है नमक के घोल में ये कितना पानी मिलाया गया, 20 लीटर पानी मिलाया गया, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन से अधिकतम आयतन वाले अर्धगोले को काटकर बाहर निकाला जाता है, तो शेष आयतन ज्ञात करें। देखिए काटकर बाहर निकाला गया, बाकी जो शेष आयतन बता उसको आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो देखिए फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको घन का आयतन निकालना है, घन का वॉल्यूम आपको निकालना है। घन का वॉल्यूम देखिए, घन का वॉल्यूम आप जानते हैं भुजा की घात 3 होता है, और यहाँ पर 6 भुजा है उसकी घात 3 करेंगे तो 6 × 36, 216 यहाँ पर घन का आयतन आ जाएगा। अब आपको जो है अर्धगोले का आयतन भी यहाँ पर निकालना होगा। तो अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का वॉल्यूम भी आपको यहाँ पर निकालना होगा। तो ये आप सभी जानते हैं 2/3 πr³। अब देखिए फ्रेंड्स 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के अंदर जो है अर्धगोले को काट करके बाहर निकाला जाता है, तो अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, क्योंकि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे अर्धगोले को काट करके बाहर निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर भुजा 6 दी गई है, तो आर बराबर जो है यहाँ पर 6 का हाफ हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगी। तो यहाँ पर 3 आपको मान रखना है, 2/3 π, और आर की वैल्यू यहाँ पर 3 रखेंगे आप, और भुजा की घात 3। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो है 2/3 π में आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो पाई में ही आपको निकालना है। और यहाँ पर 3 का 3 × 3 = 9 = 27 हो जाएगा, 3 से 27 को जाए काटेंगे तो यहाँ पर 9 बार जाएगा, और 9 × 2 = 18 π यहाँ पर इसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे जैसे कहा गया है, आगे देखिए अर्धगोले को काट करके बाहर निकाला जाता है, तो शेष आयतन क्या होगा, देखिए 216 घन के आयतन से आपको जो है क्या करना है, अर्धगोले का आयतन घटा देना है, तो ये 18 π है। तो ये आपका ऑप्शन में आंसर दिया गया है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। और यदि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी के लिए इतनी परफेक्ट क्लास आप सभी को प्रोवाइड की जा रही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, राकेश प्रत्येक 3 वर्षों में 2 बार रक्तदान करता है, और जितने भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं राकेश जो है प्रत्येक 3 वर्षों में 2 बार रक्त प्रदान करता है, यानी कि दान कर रहा है, और हर बार 330 मिलीलीटर रक्तदान प्रदान करता है, तो 6 वर्षों में वह कितने, देखिए 3 वर्षों में 2 बार रक्तदान प्रदान कर रहा है, और ये 6 वर्षों में पूछ रहा है, 6 वर्षों में कितने बार, तो 6 वर्षों में आपका 4 बार रक्तदान प्रदान करेगा। और आप देख पा रहे होंगे 3 वर्षों में 2 बार कर रहा है, तो 6 वर्षों में कितने बार करेगा, तो यानी कि 6 वर्षों में आपका जो है 330 मिलीलीटर के साथ करेंगे तो यहाँ पर 1320 मिलीलीटर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो है ऑप्शन आपको लीटर में पूछा गया है कि कितने लीटर रक्तदान करेगा। अब देखिए कितने लीटर, तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए आप सभी जानते हैं 1 लीटर बराबर होता है आपका 1000 मिलीलीटर। तो आप जब मिलीलीटर निकालेंगे यहाँ पर तो 1/1000 हो जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर जो है 1000 से आपको डिवाइड कर देना है, और 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 2 0 के बाद यहाँ पर अंक लगा देना है आपको, तो 1.32 यहाँ पर जो है लीटर हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, एक त्रिभुज जिसकी भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है और 25 सेंटीमीटर है, के अंतर्वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर
प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। केवल क्या यहाँ पर घुमा करके पूछा गया है, आपको भुजाएं दी गई हैं, उसके बाद अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछी गई है। तो आप सभी देख पा रहे होंगे यहाँ पर 7, 24 और 25, ये आपका क्या है, ट्रिपल एट है। आप सभी को मैंने बताया कि आप सभी को ट्रिपल एट याद रखना है, तो आप सभी को यह ट्रिपल एट देख, आप सभी जानते हैं ट्रिपल एट, और ट्रिपल एट लगता है आपका समकोण त्रिभुज में। ट्रिपल एट कहाँ पर लगता है, आपका समकोण त्रिभुज में लगता है, और इसी के जो है अंदर जो है अंतर्वृत्त है, ये बोल रहा है कि इसी के अंदर अंतर्वृत्त एक वृत्त है और उसकी त्रिज्या पूछी गई है, इसके अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछी गई है। देखिए फ्रेंड्स, ये भुजा आपकी 7 है, ये भुजा आपकी 24 है और ये भुजा आपकी 25 है। जब भी समकोण त्रिभुज में आपको अंतर्वृत्त की त्रिज्या पूछी जाए तो आपको एक फॉर्मूला यहाँ पर ध्यान रखना है, अंतर्वृत्त यानी इन रेडियस पूछी जाए तो आर इक्वल, ये छोटी आर है, अंतर्वृत्त की बात कर रहे हैं, आर इक्वल हो जाएगा ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। यही आपके अंतर्वृत्त की त्रिज्या होगी एक समकोण त्रिभुज की, ये आपको ध्यान रखना है। तो अब आपको कैसे निकालना है, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू 24 है, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू जो है आपकी 25 है। अब देखिए यहाँ पर जो है 24, 7, 31 माइनस 25 और आपका जो है आंसर 6, तो 6 आंसर जिस भी ऑप्शन में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर 2 से भी डिवाइड करना है आपको, ये ध्यान रखना है, जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, तो 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा सही आंसर। तो सी 3 सेंटीमीटर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। तो आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और जब भी समकोण त्रिभुज की आपसे जो है एक चीज़ और ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट, यहाँ पर जो है बाह्य वृत्त, देखिए अंतर्वृत्त तो होगी, बाह्य वृत्त होता है आपका कैपिटल आर, बाह्य वृत्त की त्रिज्या पूछी जाए आपसे तो सी अपॉन 2 कर देनी है खाली आपको, ये आपकी जो है बाह्य वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो दोनों फॉर्मूले को आपको यहाँ पर अच्छे से तरीके से ध्यान रखना है, ये आप सभी देख पा रहे होंगे, तो आसानी से इस प्रकार के प्रश्न को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा बराबर 3/5 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। तो देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पर, और यहाँ पर इस प्रकार का प्रश्न भी एग्जामिनर बार बार पूछ सकता है। तो देखिए आप सभी ने सुना होगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, आप सभी जानते हैं। और आपने सुना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका, ए प्लस बी हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा, तो ये तो फॉर्मूला आप सभी ने पढ़ा होगा। तो इसी तरीके से आपको जो है इस फॉर्मूले को भी खोलना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप खोलेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक बार आपको यहाँ पर माइनस करना है और एक बार प्लस, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, सॉरी यहाँ पर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप सभी जानते हैं 3/5 यहाँ पर वैल्यू है इसकी, और आप सभी को यहाँ पर जानते हैं इसका मान जो है वो 1 हो जाएगा आप सभी का, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को, और यहाँ पर जो है कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस 2 थीटा के इक्वल होता है, और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली कर सकते हैं, तो कॉस 2 थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3/5। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आपसे पूछा गया है कि दिए गए संख्या का मान ज्ञात कीजिए। अब आप देख पा रहे होंगे एग्जामिनर क्या कर रहा है, आपको घुमाने की कोशिश कर रहा है, और आपसे भी देख पा रहे होंगे टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है आपका, साइन 2 थीटा के इक्वल होता है, ये साइन 2 थीटा का मान ही होता है, और 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये आपका कॉस 2 थीटा के इक्वल होता है। तो ये आपको पूछा गया है, यहाँ पर जो वैल्यू पूछी जा रही है वो आपसे कॉस 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा रियल में ये है आपका, और इसे खोल करके लिख दिया एग्जामिनर ने, इसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। अब आप देखिए कॉस 2 थीटा की वैल्यू आप जानते हैं,
और साइन टू थीटा की वैल्यू आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। साइन टी टू थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप सभी जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और यहाँ पर यहाँ पर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। और आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये एक ट्रिपल एट की संख्या है, दो तीन यहाँ पर देख पा रहे होंगे तीन चार पाँच क्या होता है, तीन चार ट्रिपल एट आपका क्या होता है, तीन चार पाँच ट्रिपल एट क्या होगा, तीन चार और पाँच। तो यहाँ पर जो है देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे, तो लंब आपका चार है, लंब बटे कर्ण पाँच, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, दोनों में वैल्यू पुट कर देना है, तो तीन बटे पाँच और यहाँ पर जो है चार प्लस यहाँ पर चार बटे पाँच। अब देखिए दोनों ऐड हो जाएंगे, चार तीन सात हो जाएंगे, सात बटे पाँच। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आपका जो है सात बटे पाँच आंसर हो जाएगा डी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे, कि यदि भी आप ये भी आपको क्वेरी है तो आप सभी यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं, आई होप आप सभी समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि फॉर्मूले तो फ्रेंड्स आप सभी को ही याद करने हैं, और आप सभी कहेंगे तो मैं फॉर्मूले भी आप सभी को प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, चाय के एक मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर घर में चाय के उपभोग में कितने परसेंट की कमी की जाए जिससे बजट समान रहे। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और एग्जामिनर बार बार इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है, तो जिससे कि बजट जो है वो आपका समान रहे। मान लिया वृद्धि होगी तो आपने जो है खाने उपभोग में यानी खपत में कमी कर दी, तो आपका जो बजट है वो समान रहेगा। अब देखिए 20% की वृद्धि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 20% को आप सभी ने फ्रैक्शन में लिखना है, तो 20% को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं, 1/5 ये होता है, यानी कि पाँच की कोई वस्तु पहले आती थी, सॉरी यानी कि चाय के मूल्य यानी कि मूल्य में वृद्धि जो है, पहले 5 रुपये की चाय आती थी तो अब जो है 1 रुपये और बढ़ा दिया गया है, 6 की आती है। तो ये आपसे भी देख पा रहे होंगे 1 की वृद्धि हुई है, यहाँ पर आपसे भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे 1 रुपये की वृद्धि हो गई है, और अब जो है वो कह रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी जिससे कि बजट जो है समान रहे। तो आपको जो है खपत आपकी जो वृद्धि हुई है 6, अब आपको 6 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो 6 पे कितने रुपये की यहाँ पर जो है खपत में कितनी कमी करें, देखिए खपत में जो है वो आपका 5 करना है, आपको खपत इक्वल करना है ना, 5 रुपये के बराबर करना है, तो कितने की 1 की कमी करनी है, तो 6 पर कितने की कमी, 1 की कमी गुणा 100, तो ये आपका परसेंटेज आ जाएगा 1/6, यानी कि 100/6 की वैल्यू आपकी होती है 16.3%। ये आपको फ्रैक्शन याद रखने हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। यदि इस तरीके से भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप सभी को देखिए 5 की कोई वस्तु है, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे फ्रैक्शन लिखना है 5/1 की बढ़त, यानी कि 5 की कोई वस्तु जो है वो 6 में जा रही है, और फिर जो है कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि बजट समान रहे, यानी कि देखिए अब जो है 6 रुपये आप दे रहे हैं, कितने की कमी करनी है आपको, 5 में बेचनी है क्योंकि बजट के समान करना है, कितने की कमी हुई है, 1 की कमी हुई है, कितने पे, 6 पे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस तरीके से आपका जो है 16.3% ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट है निम्न में से किस समीकरण के मूल -2 और 3 हैं। देखिए जितने भी स्टूडेंट जो है इजी तरीके से यहाँ पर समझ पा रहे होंगे, किस समीकरण के मूल -2, देखिए आप सभी ने द्विघात समीकरण पढ़ा होगा, तो यहाँ पर जो है समीकरण के मूल दिए गए हैं, अल्फा बराबर दिया गया है -2 और बीटा बराबर जो होते हैं आपका 3, ये समीकरण के दो मूल हैं द्विघात समीकरण के, आप सभी जानते हैं, और यहाँ पर समीकरण पूछा गया है तो आप सभी समीकरण को जानते हैं, x² - α + β x और प्लस यहाँ पर जो है अल्फा बीटा, ये आपका समीकरण होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पुट कर देंगे वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको निकल के यहाँ पर कितनी आ जाएगी, तो देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो है 1 वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर अल्फा बीटा यहाँ पर दोनों की गुणा करेंगे, 3 × 6 - 6 आ जाएगी, तो इस तरीके से x² - α + β की वैल्यू कितनी है, 1 की x में गुणा करेंगे तो x ही आएगा यहाँ पर, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -6, तो -6 पुट करेंगे बराबर 0,
तो यही आपका समीकरण है, द्विघात समीकरण। तो कौन सा समीकरण हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप सभी अच्छे से समझ पा रहे होंगे, वीडियो को लाइक कर दिया होगा जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, और वीडियो को शेयर जरूर क्या करें फ्रेंड्स, आप सभी के लिए इतना किया जा रहा है, आप सभी वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। तो देखिए आई होप आप सभी इस क्वेश्चन को भी समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एक वृत्तखंड का कोण जो है 30 डिग्री है, यदि इसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है तो इस वृत्तखंड की चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत आसान प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न को बहुत ही अच्छी तरीके से आप कर पाएंगे। देखिए आप सभी ने चाप की लंबाई का फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, वृत्त के खंड की चाप की लंबाई। तो देखिए यहाँ पर जो है आप सभी ने, एक बार मैं आपको ये दिखा दूँ, इस तरीके का जो है वृत्त होता है और इसमें जो है ये कोण दिया गया है आपका, ये वाला जो कोण है वो 25 डिग्री का दिया गया है, सॉरी यहाँ पर 30 डिग्री का दिया गया है ये कोण। अब इसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर दी गई है, यानी कि ये जो त्रिज्या है इसकी, ये वाली जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक की, वो आपकी दी गई है 42 सेंटीमीटर। यहाँ पर आपसे भी देख पा रहे होंगे चाप की लंबाई पूछी है, तो आपको कैसे करना है देखिए मैं आप सभी को यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार फिर से। तो आपको कैसे करना है, देखिए चाप की लंबाई का फॉर्मूला आपको निकालना है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला है यहाँ पर देखिए 2πr θ/360 डिग्री, ये होता है आपका चाप की लंबाई का फॉर्मूला। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, थोड़ा यहाँ पर लिखाई में थोड़ा आप सभी देख पा रहे होंगे सही से नहीं लिखा गया है, तो एक बार मैं आपको थोड़ा इंक कम कर लेता हूँ। तो चाप की लंबाई देखिए 2πr θ/360 डिग्री। अब आपको क्या करना है, दो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 22 की पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, और आर की वैल्यू रखेंगे, आर कितना गया है 42 दिया गया है, और थीटा की वैल्यू रखेंगे 30 दिया गया है, और अपॉन में आपका जो है यहाँ पर जो है 360 डिग्री है। अब देखिए 0 से एक 0 कट जाएगा आपका, और 7 से यहाँ पर 42 कटेगा 6 बार, 7×6 42, और 6 से यहाँ पर 36 6 बार कटेगा, 3 से 6 2 बार कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, सही आंसर 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, चाप की लंबाई कितनी है 22 सेंटीमीटर है। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे, यदि नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स जितने भी साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जितने भी ऑफलाइन देख रहे हैं, उन सभी को क्या करना है, इस प्रश्न का सही आंसर टाइप करना है, बताना है कैसे सॉल्व किया जाएगा। यानी कि रूट में आपको दिया गया है 12 × √27, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, और इस वैल्यू में आपको दिया गया ऑप्शन में 4√3 या फिर 3√4 या फिर आपका 18 या फिर 9। तो इन चार ऑप्शन में से सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप तैयारी कर रहे हैं बाकी में तो आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, तो सभी साथी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।